देखिए, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इज कंजर्व्ड, शो इट ग्राफिकली। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और हमको ये शो करना है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है। तो पहली चीज़ ये जान लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है बेटा? तो आप तीन सिचुएशन ले रहे हैं, उन तीनों पॉइंट पर आप इस एनर्जी को काउंट करेंगे, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। अब आप इसको इस पॉइंट से ड्रॉप कर रहे हैं, टॉप पॉइंट से, तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। बोलिए यस और नो। सो दिस पॉइंट इज ए, सो के ए इक्वल टू जीरो एंड यू ए मीन्स पोटेंशियल इक्वल टू एम जी एच, सो टोटल इक्वल टू एम जी एच। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एच आ गई। आ गई? अब मान लीजिए बॉडी को फ्रीली आपने छोड़ा, बॉडी एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके इस पॉइंट बी तक आ चुकी है, यस और नो? अब इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी, और हाइट कितनी बेटा, टोटल एच थी जिसमें एक्स नीचे चली आई, तो रिमेनिंग हाइट कितनी बची, एच माइनस एक्स, बची कि नहीं बची? तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट तक आने में बेटा इसने कोई काइनेटिक एनर्जी गेन करी होगी कि नहीं करी होगी, क्योंकि वेलोसिटी इसकी भी हो चुकी होगी। तो हम लगाते हैं बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये देखिए बेटा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमने वी मान ली, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू कितना था इनिशियली, जीरो, और यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, टू जी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर मीन्स टू जी एक्स, टू से टू कैंसिल, ये बन गया एम जी एक्स। डन? नाउ टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक आपके पास कितनी निकली है, एम जी एक्स, और पोटेंशियल कितनी है, एम जी ब्रैकेट में एच माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर दूं मैं, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये कैंसिल हो गया। अगेन टोटल एनर्जी यही आ गई कि नहीं आई? हेलो, एम जी एच आ गई टोटल एनर्जी। नाउ अब लास्ट पॉइंट पे निकालते हैं, तो लास्ट पॉइंट में टोटल हाइट h है, और जब कोई बॉडी नीचे आ जाएगी एकदम ग्राउंड को टच कर लेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, जीरो, बिकॉज m इंटू जी, एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये सुनो, काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे h डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो स्टार्ट से v डैश स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर जीरो प्लस टू जी एच इक्वल टू टू जी एच, तो वी डैश स्क्वायर आ गया टू जी एच। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर, हाफ एम इंटू टू जी एच, कैंसिल हो गया एम जी एच। यस और नो? तो यू तो जीरो है और काइनेटिक आ गई एम जी एच, तो अगेन टोटल एनर्जी एम जी एच बन गई कि नहीं बनी? यस सर। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, शुरुआत में पोटेंशियल ज़्यादा थी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई पोटेंशियल कम हो रही है और एंड में जीरो हो गई। यस और नो? हाँ सर। और यहाँ इस पॉइंट पर, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, जब आपने बॉडी को छोड़ा था, उस समय, जिस समय आपने बॉडी को छोड़ा था, तो काइनेटिक मैक्सिमम थी, थी बेटा काइनेटिक मैक्सिमम? नो 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 नो, उस समय काइनेटिक जीरो थी, और नीचे आने पर काइनेटिक फिर बढ़ती जा रही है। यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। अब ये देखिए, हाइट वर्सेस टोटल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है? देखिए, जिस समय हाइट जीरो थी, उस समय पोटेंशियल एनर्जी, हाइट जीरो मतलब ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और हाइट जैसे बढ़ रही थी पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे थी, वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ती गई। अब जिस समय हाइट मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, और जिस समय हाइट सबसे ज़्यादा थी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम थी, और जैसे जैसे हाइट कम होती गई काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये देखिए, जीरो हाइट पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है कि नहीं है? हाँ सर। क्लियर कि नॉट क्लियर?
तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, मगर काइनेटिक एनर्जी हाइट बढ़ने के साथ साथ घटती है। क्लियर? कोई दिक्कत? पर मतलब मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है बिल्कुल। ये जो चार्ज ऊपर रहता जो है। ग्राफ दिख रहा है आपको टॉप लेवल पे, वो मैकेनिकल एनर्जी है, दोनों का सम, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये देखिए इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी फिक्स बैठी हुई है, ठीक है? ये है काइनेटिक। सो टोटल एनर्जी विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? एम जी एच के इक्वल एट एवरी पॉइंट। डन? यस कोई दिक्कत है क्या?